यस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA2Z। तो इस वीडियो में मैं जरा सा बात करूंगा IIM कलकत्ता लेके। तो IIM कलकत्ता का अभी भी आपको MBA 24-26 जो बैच होंगे उसका अभी जो कट ऑफ है वो अभी निकला नहीं। हाउएवर इट इज व्हाट एवर उन लोग निकलेगा, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ अगर अपने जनरल मेल कैंडिडेट हो या आपको जनरल फीमेल कैंडिडेट हो एंड अगर अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको इस बार कैट में 99.9899% नहीं होने से IIM कलकत्ता से कॉल नहीं जाएगा। लेकिन IIM कलकत्ता फिर भी आपको इंजीनियर बैकग्राउंड को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स जिसका अच्छा रहता है उसके बाद स्ट्रेसफुली जैसे कि ना आपको स्टैटिस्टिक्स किसी का बैकग्राउंड रहेगा उसको बिल्कुल होने का चांस रहता है IIM कलकत्ता में MBA करने का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब IIT या NIT होता होना रहेगा, लेकिन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद आया दैट इज द एक्सपीरियंस वर्क एक दो साल का रहेगा ना IIM कलकत्ता में, थोड़ा सा प्रेफरेंस उन लोग देता है अपार्ट फ्रॉम द फ्रेशर्स कैंडिडेट, बट हाउ एवर इट फ्रेशर्स भी रहेगा, ठीक है। सो इस लास्ट ईयर से क्या हुआ था, ये नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था IIM कलकत्ता, फिर भी इंजीनियर्स लोगों को ही एडमिशन ऑफर ज़्यादा मिला है। ओके, तो IIM कलकत्ता की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, एंड इसके साथ साथ जो है IIM कलकत्ता इज मोस्ट स्पेशलाइज फॉर द फाइनेंस, MBA इन फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पहले तो वर्ल्ड बैंक कैंपस करना था, अभी तो पूरा फाइनेंशियल जितने इन्वेस्टमेंट बैंकर है तो उन लोग कैंपस करने के लिए आते हैं। तो मेरा कहना यही है अगर अपना IIM कलकत्ता में जाना है तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि क्या आता है ना PI जब होंगे ना आपको AWT PI में होगा क्या ना, उसमें आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दियो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ इस बार का कैट का जो होगा जैसे कि ना करेक्ट आइटम के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा आइटम करना पड़ेगा ज़्यादा परसेंटेज लाने के लिए, मतलब क्या ना कैंडिडेट बहुत दे रहा है बट हाउ इट इज यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ओके, इफ यू गिव योर बेस्ट देन यू विल बी सेटिस्फाइड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड यू विल सेटिस्फाई योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो इसीलिए वही है। तो IIM कलकत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अपना परसेंटाइल आपको 99.98 नहीं लाया तो जनरल कैंडिडेट मुश्किल है, SC कैंडिडेट के लिए कम से कम 97% ST कैंडिडेट के लिए आपको 94 एंड आपको PWD के लिए ऑलमोस्ट 90-92% लाने से आपको IIM कलकत्ता में चांस मिलता है। सो जेंडर डाइवर्सिटी एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी रहेगा, फिर भी आपको इंजीनियर्स लोगों को ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, so once again thanks for the watching this video, please do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you, best of luck, God bless you guys, let's support the best, thank you.